तो जब से मैंने यामाहा की R15 ली है ना, तब से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन मुझे अभी आ रहे हैं बिकॉज मैंने ये बाइक को ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर यूज कर लिया है। ये मेरी है R15 V3 BS6। तो जो क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा लोगों को आता है, हाथ में दर्द हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, तो मैंने ऑलमोस्ट क्लॉक कर लिया है 3000 किलोमीटर ये बाइक पे। तो कुछ चीजें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि कैसा आप पेन जो होता है, रिस्ट का पेन वगैरह है, वो अवॉइड कर सकते हो। हालांकि एक चीज आपको बता दूं कि आप कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये जो बाइक होती है ना, इनका जो सीटिंग पोस्चर सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी में आता है ये वाली बाइक स्पेशली, तो जब भी आप बैठोगे तो थोड़ा आपको झुकना ही पड़ेगा सामने। तो वीडियो का पूरा देखिए, कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ जिससे आपकी हेल्प हो जाए। अगर आपके रिस्ट में यहाँ पे पेन आ रहा है, ज्यादा यहाँ पे पेन आता है, और ये जैसे आप 8 से 10 किलोमीटर चलाते हो तो यहाँ पे एकदम से रेड हो जाती है, तो उसके लिए आप ग्लव्स यूज करो, क्योंकि जब आप ग्लव्स यूज करते हो, आप अगर ऐसा बैठते हो तो ये जो पार्ट ज़्यादा ग्रैब करता है, तो ज़्यादा आपको दर्द यहाँ पे रहता है। एंड कभी भी आप बाइक पे बैठते हो तो ऐसा मत बैठो, बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल ऐसे बैठते हैं, तो ऐसा मत बैठिए। आपको ऐसा रिलैक्स पोजीशन में बैठना है, ये पोजीशन आप देख लीजिए, ये पोजीशन में आपको बैठना है रिलैक्स, स्ट्रेट ऐसा हाथ भी नहीं करना है, एंड ज़्यादा ऐसा झुकना भी नहीं है। ये जो झुकने की पोजीशन होती है, ये रेस ट्रैक पे होती है, और अगर रेस ट्रैक पे आप जाते हो तो वो टाइम पे आप ये पोजीशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे सिटी में चलाते हो, लॉन्ग टूरिंग करते हो, तो आपको एकदम से रिलैक्स बैठना है। तो पहली चीज़ होगी ग्लव्स पहनो, सो दैट ग्लव्स का जो ये पार्ट है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। दूसरी चीज़, आप थोड़ा यहाँ पे ये जो स्पेस है एकदम से सामने रह के मत बैठिए, कि एकदम सामने आप रहोगे तो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको यहाँ पर भी दर्द होगा, बैक में पेन होगा। थोड़ा आप पीछे एकदम से कंफर्ट होके बैठ जाइए, पीछे आपको सपोर्ट है ही है, ऐसा कंफर्ट होके बैठ जाइए, एंड ये आपकी पोजीशन रहनी चाहिए बैठने की। आपको ना तो ऐसा बैठना है ना ऐसा बैठना है, नॉर्मल राइडिंग की बात कर रहा हूँ, आपको एकदम से रिलैक्स ऐसा बैठना है। तो ये राइडिंग पोस्चर है। अब जब आप ऐसे बैठते हो तो आपको पक्का यहाँ पे जो हाथ है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जोर पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके जो घुटने हैं, आपके पैर हैं, वो एकदम से यहाँ पे टच कर लेना है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना यहाँ पे, टैंक पैड जो ग्रिप, टैंक ग्रिप जो रहता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप बाइक पे बैठते हो और अगर ये पोजीशन में आप बैठते हो, तो आपको ये वाला जो पार्ट है पैर को यहाँ पे एकदम से टच कर लेना है। अब आपको बाइक कंट्रोल करनी है अपने पैरों से, हैंडल से तो सिर्फ हमें डायरेक्शन देना है बाइक को, लेकिन कंट्रोल जो बाइक होती है वो सिर्फ पैरों से होती है। अब अगर आप ऐसा बैठोगे, मैं एक बार स्टैंड लगा देता हूँ, तो आपकी पोजीशन जो है ना ऐसे होनी चाहिए, एकदम से आपके पैरों के बीच में होना चाहिए टैंक, आपको ग्रिप कर लेना है आपके टैंक को, एंड उसके बाद में ये पोजीशन में बैठना है। अब ये पोजीशन में अगर आप ज़्यादा देर बैठोगे तो भी आपको शोल्डर में पेन आएगा। इसीलिए जब भी आप राइड करते हो बाइक, तो एवरी 8 to 10 किलोमीटर पे थोड़ा पोजीशन चेंज करते रहो। जैसे आप थोड़ा एकदम से पीछे बैठे हो, थोड़ा आगे आके बैठ जाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ज़्यादा दूर चलाते हो, 50, 60 या 100 किलोमीटर, तो आप एक ही पोजीशन में मत बैठिए। 8 से 10 किलोमीटर पे आप चलने के टाइम पे ही पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं स्टार्टिंग में ये पोजीशन पे बैठता हूँ ऐसे, तो ये मेरी पोजीशन एकदम नॉर्मल पोजीशन, मैं थोड़ा बीच में यहाँ पे गैप देके बैठा हूँ। अब 8 से 10 किलोमीटर के बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ी पोजीशन चेंज करता हूँ, जैसे मेरे को हाथ में दर्द होने लगता है थोड़ा सा मैं आगे आके बैठता हूँ। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप एकदम से टैंक के नज़दीक बैठो, थोड़ा गैप देके बैठो, लेकिन एवरी 8 to 10 किलोमीटर पर आप अपनी पोजीशन चेंज करो। मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं, वो यामा R15 V2 and V3 पे लॉन्ग राइड करते हैं, लेह लद्दाख राइड भी कर चुके हैं वो लोग, एंड लोग पूछते हैं कि यार ये बाइक पे आपने किया कैसे। बहुत इजी है यार, आपको थोड़ा सा यूज्ड होना पड़ेगा। जब भी आप बाइक चलाते हो, मेक श्योर कि आप एकदम से टैंक को ग्रिप करके बैठे हो, आपके पैर एकदम से टैंक के साइड में चिपके हुए होना चाहिए। ये समझ लो कि आपको बाइक को कंट्रोल करना है सिर्फ एंड सिर्फ पैरों से, एंड जो भी आपका वेट है बॉडी का, अपर बॉडी का, वो आप सीधा पूरा हाथ पे मत डालो। एंड ये जो पार्ट जो होता है, जैसे आप इसको ग्रिप करोगे, आपका जो बॉडी का, लोअर बॉडी का यहाँ से एंड अपर बॉडी का वेट इस पर ज़्यादा आ जाएगा। इससे क्या है, आपको ज़्यादा वेट यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इतना ही है, उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसी टेक्निक है जो आपको 100% जो आपको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन देगी, कंप्लीट ये इश्यू रिजॉल्व कर सकती है। तो दैट्स ऑल गाइज, अगर आपको और कुछ
डिटेल चाहिए ये बाइक के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको बाइक के बारे में भी कुछ पूछना है, स्पेशली ये बाइक के बारे में, बिकॉज ये बाइक को मैं 3000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो जितने भी क्वेश्चन आपके हैं मैं आंसर कर दूंगा। आप अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हैं, अपना इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी। आप ये जो बैकग्राउंड है इसको अवॉइड कर दीजिए बिकॉज मेरे घर के पास है, एंड कुत्ते वुत्ते आपको बहुत दिखेंगे, ये सब अपने हैं गली के कुत्ते एंड अपने दोस्त ही है। सो दैट्स ऑल गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, लाइक करना मत भूलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो।